वाराणसी नगर में स्थित भारतीय जनता पार्टी व पूर्व विधायक जनसंपर्क कार्यालय में 28 जनवरी को पूर्व विधायक प्रदीप जायसवाल के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। यहां प्रेस वार्ता वर्तमान विधायक विवेक विक्की पटेल के द्वारा किए जा रहे भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर की गई, जिसमें पूर्व विधायक प्रदीप जायसवाल के द्वारा उनके कार्यकाल में किए गए अनेक विकास कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति दिलाने के बाद भूमि पूजन कार्य किया गया, जिसका पुनः भूमि पूजन वर्तमान विधायक के द्वारा किया जा रहा है। उन्हें इस प्रकार की राजनीति न करने की नसीहत देते हुए विधायक पद की गरिमा को तार तार न कर पद की गरिमा बनाए रखने के लिए कहा गया। वाराणसी विधानसभा क्षेत्र में एक नई बड़ी गलत परंपरा जो प्रारंभ हुई है कि जिस काम का भूमि पूजन ऑलरेडी हो चुका है, जो बड़े बड़े काम मैंने मंत्री रहते हुए स्वीकृत कराए थे, जो विधायक के बस की बात ही नहीं, ऐसे मेरे द्वारा स्वीकृत बड़े बड़े निर्माण कार्य, सड़कों के निर्माण कार्य जो पूर्व में कभी इतने बड़े काम स्वीकृत नहीं हुए, और मैंने मंत्री रहते इन कार्यों का भूमि पूजन किया, उसकी स्वीकृति दिलाई, उसका प्रशासकीय स्वीकृति मैंने दिलाई, उन कार्यों का भूमि पूजन किया जा रहा वर्तमान विधायक के द्वारा। इससे एक तो यह है कि विधायक पद एक संवैधानिक पद होता है, उसका एक प्रोटोकॉल होता है, उस संवैधानिक पद की गरिमा को तार तार किया जा रहा है। ऐसे कौन से काम भी हैं? अभी जैसे आपने कल अखबार में पढ़ा होगा, उमा टोला से 1 करोड़, ये 1,72,00,000 का काम है, और ऐसा तो है नहीं कि अभी आज स्वीकृत हो गया, काफ़ी पहले से डिमांड चल रही थी, फिर हमने उसको शासन प्रशासन में लिए, स्वीकृति में टाइम लगता है, टेंडर में टाइम लगता है, प्रशासकीय स्वीकृति में समय लगता है, तो 1,72,00,000 का ये कार्य है, ये भी खनिज विभाग से स्वीकृत करा है, और एक मंत्री रहते हुए काम संभव हुआ, कोई विधायक के तौर पर इतना बड़ा काम कराना ये विधायक की कुबत की बात ही नहीं है। अब वो सामने दिख जाएगा 5 साल में 1,00,000 करोड़ का लाले तो समझ में आ जाएगा, लेकिन ऐसे कार्यों का जिसका भूमि पूजन ऑलरेडी हो चुका है, पत्थर लगा है, उसका कार्ड भी आप देख सकते हैं कि 9वें महीने में उसका भूमि पूजन हुआ, लगभग 300-400 लोगों की उपस्थिति में हुआ, उसके बाद आचार संहिता लगी, अब जाकर टेंडर हो गया है, टेंडर के बाद काम प्रारंभ हो जाएगा। तो ऐसे कार्यों का जिसका भूमि पूजन हो गया, पत्थर लगे हैं, ऐसे कार्यों का भूमि पूजन करना एक तो हास्यास्पद पद भी है, और इस तरह से एक राजनीतिक वातावरण सब क्षेत्र का खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा कहना है कि हम तो जूठन क्यों खा रहे हो, हमारा तो सरकार भाई जनता ने पन्ना पलट दिया, आप अपना नया पन्ने में नया इतिहास लिखो, अपने द्वारा स्वीकृत काम का बखान करो, उसका भूमि पूजन करो, तो जनता को भी देखेगा, क्या गाँव की जनता को नहीं मानू हुड्डा जैसे उन्होंने इसका भूमि पूजन कर चुका है, गाँव की जनता की डिमांड में मैंने कार्य करा था। तो इस तरह से जूठन खाने के बजाय आप अपनी थाली खुद खुद लगाओ अपनी थाली।